और जो हम लोग बड़े पे सीखते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसलिए कहना है कि बच्चों को सही गलत का फर्क बचपन में ही बताए। सच क्या है, गलत क्या है। व्यक्ति के जीवन में तीन बार समय बदलता है। कैसे? जब हम बच्चा होते हैं, जब एक बच्चा छोटा होता है, तो बच्चे के सामने एक तरफ आप बहुत सारे रुपए डाल दो और एक तरफ खिलौने डाल दो, बच्चा क्या चुनेगा बताइए? बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने एक तरफ बहुत सारा पैसा डाल दो और एक तरफ खिलौने डाल दो, बच्चा क्या उठाएगा? बोलिए, जोर से बोलो, बहुत सुंदर। क्या उठाएगा? खिलौना। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके सामने एक तरफ खिलौने डालो और एक तरफ बहुत सारे रुपए डालो, फिर वो क्या उठाएगा? उठाएगा, नियत बदल गई उसकी और ऊपर पहुंचो। वही बच्चा बूढ़ा हो गया, कुछ ही समय उसके बचे हैं मरने के, 10-15 दिन में उसे पता है हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब उससे पूछा जाए, उसके सामने एक तरफ परिवार इकट्ठा कर दो और एक तरफ 2-4 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार कह दो कि तुम परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो या रुपए उठाना चाहते हो, तो वो क्या उठा, क्या चुनेगा? परिवार। बिल्कुल बात सच है, क्योंकि अंत समय में हमें किसी से प्रेम नहीं रहता है। हम ये कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार मेरे सामने बैठा रहे, अब मैं जाने वाले हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कई विचार बदलते हैं, बच्चा से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक उसके विचार बदलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बच्चों को संस्कार बचपन में डालें और बच्चे जैसी संगत करेंगे बच्चों में वैसे ही गुण आएंगे, क्योंकि तुम खूब बच्चों में संस्कार कूट कूट के भरो, अगर बच्चे की संगत अच्छी नहीं है तो बच्चा कभी संस्कारी नहीं निकलेगा। एक उदाहरण और हम आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि आप अपनी लड़की का घर देखने के लिए जाइए, लड़का देखने के लिए जाइए, आप देख लेते हो इसका घर परिवार कैसा है, इसके माता पिता कैसे, भाई कैसे हैं, देखते हो लड़का कैसा है परिवार से ही तो हम लोग नियुक्त करते हैं कि जैसा परिवार है वैसा ही लड़का होगा, लेकिन नहीं, परिवार जैसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले देखो इस लड़के के दोस्त कैसे हैं। अगर किसी को तुम्हें पहचानना है तो लड़के से, घर परिवार से नहीं, उसके दोस्तों से, उसकी संगति कैसी है। जैसी व्यक्ति संगत करेगा वैसे ही गुण आएंगे। तो माता, अगर एक लड़का गलत संगत कर जाए माता पिता रोकते हैं, बेटा वो बेटा लड़का सही नहीं है, उसके संगत मत करो, वो गलत है। बच्चे नहीं मानते, बच्चे माता पिता को ठुकरा देते, नहीं मां वो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है। हम क्या, हम थोड़ी नहीं करते चोरी, मेरा दोस्त करता, हम थोड़ी नहीं करते। तो माता पिता कहते तुम करोगे, आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, पर करोगे जरूर, संगति का असर जरूर आएगा। इसलिए कहना है कि जैसी संगति करोगे वैसे ही गुण आएंगे, और बच्चों में संस्कार बचपन में ही डालें। सभी माताओं से कहना है, बच्चे हैं अभी, इनको सर पर मत चढ़ाओ, अभी इन्हें सही गलत का फर्क बताओ। तो बताया जाता है ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया था। ध्रुव ने नहीं, सुनीति के अच्छे विचार थे, सुनीति